हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ाने वाले हैं जैसे कि नेक्स्ट वीडियो पढ़ाए थे पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसी का कुछ पार्ट है जिसे कहते हैं हार्मोनिक्स यानी हार्मोनिक्स आवृत्ति, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली में जो चीज़ें पहले बताया गया था थ्री फेज पॉली, जो थ्री फेज हमारा पॉली सिस्टम होता है उसमें ये सब चीज़ें के बारे में, पावर फैक्टर यानी कि सारी चीज़ें के बारे में बताया गया था। अब हम उसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्मोनिक्स, हार्मोनिक सिस्टम यानी कि हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक। तो फ्रेंड, जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है वो चीज़ें ध्यान से पढ़िए जिससे कि कोई चीज़ प्रॉब्लम ना आए। कोई भी चीज़ें पढ़ाने से यह पता लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग किसी चीज़ का पॉइंट, कोई भी पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स यानी कि इसके कई टाइप होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी हम पढ़ाएंगे जो हमारा पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसी के पार्ट नंबर 13 हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है पहले उसके बारे में हम बता देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स, ओके फ्रेंड। तो नोट करते समय जो चीज़ें बोला जाता है उसको नोट करते रहिएगा जिससे कि आपको आगे चलें, जैसे मान लीजिए जो चीज़ें आज पूछा जाए कर लिए, वो चीज़ें ना समझ में आए उसको फिर दोबारा देख लें और दोबारा पढ़ लें। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है हार्मोनिक्स आवृत्ति यानी कि हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक। आप लोगों को पता होगा जो भी हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी कैसे होता है यानी कि कोई भी हार्मोनिक्स साइनसोइडल वोल्टेज में या करंट में जितना आवृत्ति की सप्लाई दी जाती है सिस्टम में वह ऑपरेट करके डिजाइनिंग की जाती है। तो उसी के आवृत्ति का पूर्ण संचालन करने के लिए हम हार्मोनिक्स की व्यवस्था करते हैं, जिसके उपरांत हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का अधिकतम बलों का कार्यरत करते हैं। तो इसमें लिखिए हार्मोनिक्स की यानी कि हार्मोनिक्स आवृत्ति क्या है, लिखिए स्टार्ट करिए। हार्मोनिक्स साइनसोइडल वोल्टेज और करंट है जिसकी क्या रहती है आवृत्ति एंड सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिवाइस की गई यानी कि ऑपरेट करने के लिए कोई भी डिवाइस उसमें डिजाइन की गई वैसे आवृत्ति को पूर्ण यानी कि मल्टीपल होता है तो उसी को हम कहेंगे आवृत्ति। यानी कि देखा जाता है जो साइनसोइडल वेग में है यानी कि ये पूर्ण आवृत्ति प्रयुक्त रूप में पाई जाती है, जो चीजें पूर्ण रूप से ना पाई जाए उसे हार्मोनिक्स कहेंगे, ठीक। तो हमारा ये किस चीज की फिक्र आवृत्ति जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी के अगर हम यह जो है इस भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि कई जगह हार्मोनिक्स की बहुत लॉसेस पैदा होते, जो कि हमारा इंडस्ट्री हो गया और हम घरों में जो भी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आजकल हम इंडस्ट्री लेवल पे आपको बताते हैं जो चीज़ें वहाँ आवृत्ति यानी कि वहाँ जो हार्मोनिक से उत्पन्न होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री लेवल का जो हमारा हार्मोनिक्स होता है जो चीज़ें फ्रीक्वेंसी हमारा क्या कंटिन्यूस यानी कि नॉन साइनसोइडल ये क्या करता है नॉन साइनसोइडल वेग से दूसरे फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है तो हम उसे हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक। तो इसमें लिखिए हार्मोनिक साइनसोइडल वोल्टेज और करंट के जिस आवृत्ति से सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिजाइनिंग की गई आवृत्ति का पूर्ण मल्टीपल होता है उसे हम हार्मोनिक्स
आवृत्ति कहते हैं। इस आकृतियां की उपस्थिति का कारण एक ही वस्तु पर एक से अधिक दोलन बलों का कार्य होना चाहिए, यानी कि कहा है एक से अधिक, जैसा कि हमने बताया ये हमारा आवृत्ति है, एक हमारा क्या करता है एक ही दोलन, और हम अधिक दोलन यानी कि अगर सिस्टम को हम अपग्रेड करते हैं यानी कि नॉन साइनसोडल, ये हमारा क्या है हार्मोनिक्स है, क्योंकि ये नॉन साइनसोडल है ना, इसलिए नॉन साइनसोडल वेग में ये कंटिन्यू अपग्रेड कर रहा है सिस्टम को, तो हमारा क्या है हार्मोनिक सिस्टम है। ठीक, तो ऐसे सिस्टम को लिखिए, ऐसे तरंग या ऐसे फंडामेंटल तथा हार्मोनिक्स को हम दोनों की तरफ बनी होती है, एक हमारा होता है क्या जो मूल होता है और एक हमारा होता है क्या हार्मोनिक्स, जिसमें क्या करता है दोनों की बनी होती है, ये हमारा किसमें है फंडामेंटल यानी पूर्ण रूप से, और ये हमारा क्या सिस्टम है हार्मोनिक्स। ओके फ्रेंड, तो इसमें कहता है दोनों से बनी होती है, तो ऐसे में नॉन साइनसोडल यानी कि नॉन साइनसोडल वितरित की जाती है यानी कि डिस्ट्रॉय कहलाती है, तो इस सिस्टम को हार्मोनिक्स के विभिन्न चीज़ों से प्रयुक्त करते हैं। अब हार्मोनिक्स में एक्चुअली में हार्मोनिक्स कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि आप लोग पता हो जाएगा जो चीज़ें हम बताएं पहले उस चीज़ से आप लोग पता हो गया कि जो हमारा पूर्ण होता है यानी फंडामेंटल, जो हमारा क्या रहता है पूर्ण, ये हमारा क्या फंडामेंटल, ये हमारा फंडामेंटल है यानी कि पूर्ण, पूर्ण कहे पूर्ण एक कहलाए क्या मूल, फंडामेंटल मान फंडामेंटल हिंदी क्या कहेंगे मूल। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे नॉन साइनसोडल, क्या है ये नॉन साइनसोडल है, नॉन साइनसोडल क्या कहेंगे हार्मोनिक्स, नॉन साइनसोडल को हार्मोनिक्स कहेंगे और इसे कहें मूल यानी कि फंडामेंटल, ये दोनों जो ये इसको दोनों मिलाकर हमारा क्या बनता है नॉन साइनसोडल बनता है। फंडामेंटल और हार्मोनिक्स को दोनों को हम क्या करते हैं दोनों से अगर हम कोई साइनसोडल बनाए तो इसे हम कहेंगे हार्मोनिक्स। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स, लिख लीजिए कितने टाइप्स के हमारे हार्मोनिक्स होते हैं। पहले नंबर ऐसे जो हार्मोनिक्स प्रयुक्त रूप में पाए जाते हैं वह हमारा किसमें पाए जाते हैं, एक हमारा होता है फर्स्ट आवृत्ति, क्या होता है फर्स्ट आवृत्ति, आवृत्ति को कहेंगे क्या फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और सेकंड लिख लीजिए आयाम या घटक का अधिकतम मान, सेकंड हमारा क्या है आयाम, हमारा थर्ड क्या रहता है थर्ड हमारा था सापेक्षिक, जो हमारा थर्ड रहता है सापेक्षिक फेज। इसमें देखिए जो हमारा इस फंक्शन में फंडामेंटल एंड हार्मोनिक सिस्टम में जब दोनों सिस्टम से बनाया जाता है तब उसमें क्या 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 चीज पाई जाती है, उसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पाई जाती है और आयाम व घटक का आयाम तथा घटक पाया जाता है जो अधिकतम मान पर होता है, फ्रीक्वेंसी जो है अधिकतम मान पर प्रयोग किया जाते हैं, और सापेक्षिक इसमें तीसरा क्या सापेक्षिक, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को हमारे जो घरों में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट है 240 वोल्ट की वो क्या रहती है कितने हर्ट्ज में पाई जाती है फ्रीक्वेंसी, वह हमारा 50 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को प्रयुक्त रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स यानी कि हार्मोनिक्स के प्रकार। ठीक, हार्मोनिक के प्रकार इसमें लिखिए, इसमें जो होता है हमारा दो टाइप होता है, दो टाइप में होता है कौन सा, एक होता है सम हार्मोनिक्स दूसरा होता है विषम हार्मोनिक्स। अब हम लिखेंगे सम हार्मोनिक्स जो होता है इवन हार्मोनिक्स इसे बोलते हैं, क्या जो हमारा सम होता है इसे बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है सम हार्मोनिक्स और दूसरा होता है विषम हार्मोनिक्स। फर्स्ट हार्मोनिक्स हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हम हार्मोनिक्स हम इवन कहेंगे हार्मोनिक्स, और हम सेकंड को विषम हार्मोनिक्स को ऑड हार्मोनिक कहेंगे, जिसे ऑड
इसे हम कहेंगे सम हार्मोनिक्स, इसे हम कहेंगे डिसर हार्मोनिक्स। अब सम हार्मोनिक्स क्या होता है, जैसे अगर अब क्या कहेंगे सम हार्मोनिक्स को, क्या कहेंगे जो हमारा इवन हार्मोनिक्स होता है, अब उसके बारे में लिख लीजिए हार्मोनिक्स। सम हार्मोनिक्स लिखिए, सम हार्मोनिक्स उस हार्मोनिक्स को कहते हैं जिसकी क्या आवृत्ति मूल आवृत्ति की सम गुणांक है, के सम गुणांक के क्या होता है दो गुना, चार गुना, छह गुना, क्या होता है ऐसे हार्मोनिक्स, ऐसे सम हार्मोनिक्स जो हमारा हार्मोनिक्स को आवृत्ति मूल आवृत्ति के सम क्या रहता है गुणांक रहता है, इसमें क्या रहता है सम गुणांक रहता है, जो हमारा सम ये हमारा है जो सम हमारा होता है वह हमारा क्या होता है गुणांक, ठीक, जो हमारा ये रहता है वो हमारा सम गुणांक रहता है। और इसमें सम गुणांक में जो परिक्त रूप में पाया जाता है वह हमारा क्या रहता है हार्मोनिक, जैसे कि दो गुना, चार गुना, छह गुना इत्यादि, जैसे इसमें क्या है दो गुना, चार गुना, छह गुना, इसमें इस तरीके से पाया जाता है और हमारा कहलाता है क्या सम हार्मोनिक्स। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट बताए विषम हार्मोनिक्स। विषम हार्मोनिक्स किसे कहते हैं, विषम हार्मोनिक्स वह होता है जो हमारा हार्मोनिक्स को किसी आवृत्ति को मूल आवृत्ति के विषम हो, यानी कि ये हमारा सम में है, ये सारा चीजें क्या है सम है, दो चार छह ये हमारा सम है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ये सिस्टम जो है टू और फोर और सिक्स ये हमारा किस में आ रहा है सम में। अब विषम में देखते हैं क्या चीजें आता है, जो हमारा विषम में आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा विषम, जिसमें आवृत्ति का मूल आवृत्ति के विषम के प्रयोग किया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है विषम हार्मोनिक्स। अब विषम हार्मोनिक्स के क्या क्या कौन से अंक जो है प्रयुक्त रूप में पाया जाता है जो हमारा विषम कहलाएगा, इसमें रहेगा तीन पाँच सात, ये क्या है ये हमारा विषम हार्मोनिक्स है। विषम हार्मोनिक्स यानी कि जो भी चीजें हम यानी कि जो भी चीजें ना कटी उसे हम विषम हार्मोनिक्स कहें, ये हमारा डिवाइड हो जाए ना, इसलिए हम इसे सम हार्मोनिक्स कहेंगे। ये जो सिस्टम है ये हमारा है विषम हार्मोनिक्स, ठीक है। अब लिखिए अब विषम हार्मोनिक्स, जैसे मान लीजिए विषम हार्मोनिक्स उन हार्मोनिक्स को कहते हैं जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के विषम हो, ऐसे जैसे तीन पाँच सात ऐसे हो तो हम उसे विषम हार्मोनिक्स कहेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं आगे जो हमारा होता है हार्मोनिक्स के प्रभाव, क्या हार्मोनिक्स प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स इसमें लिखिए इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स यानी हार्मोनिक्स के प्रभाव। हार्मोनिक्स के प्रभाव इसमें लिखिए हार्मोनिक्स प्रभाव कैसे होता है और कैसे यह कोई भी आकृति कैसे चेंज करती है, तब उसके बारे में लिखते हैं क्या क्या इसके हार्मोनिक्स के प्रभाव, क्या क्या दुर्घटनाएं घटती है, क्या चीज नहीं होता है, उसके बारे में हमें विस्तार से आप लोगों को बताने चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद नोट करते चलिए हमारा जो है हार्मोनिक्स क्या प्रभाव क्या करता है इन आकृतियों, जैसे मान लीजिए कोई भी आकृति हो गया, ऐसे आकृतियों का प्रभाव कभी कभी बहुत सी दुर्घटना भी हो जाती है, जो हमारा एक किसी भी नदी हुआ, इसके पुल हुआ, या किसी एक लय में किया गया कोई भी चीज टूट जाता है तब उसका पालन नहीं किया जाता है, और इसका कारण होता है जैसे कि किसी मौलिक कंपन या आवृत्ति के आयाम की वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप हम किसी भी मटेरियल टूट जाता है, यानी जैसे अगर आपके पास कोई नदी हुआ उसमें जो है कि बनाया रहता है कि कोई भी रोड बनी रहती है, उसमें लाइट लगा रहता है, सारा सिस्टम जब बैठा रहता है, तो हम अगर उसी सिचुएशन में हमारा कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए पुल टूट गया या कुछ भी हो गई, ऐसी दुर्घटना होती है तो वहाँ पर हमारा क्या रहता है हार्मोनिक्स
के बहुत से इफेक्ट प्रयुक्त रूप में पाए जाते हैं, उसे हम कहेंगे हार्मोनिक्स के प्रकार। जहाँ पर हमारा किसी तरीके से दुर्घटना घटती है, ऐसे क्षेत्रों में हम हार्मोनिक्स बहुत उपयुक्त रूप में पाई जाती है। जैसे हमारा देखा जाता है पुल हमारा हुआ या नदी हुआ, उसके पर अगर बना रहता है लाइटिंग सिस्टम रहती है, तो हम वहाँ अगर कोई भी ऐसे चीज़ें टूटता है तो हम उसे कहेंगे हार्मोनिक्स, यानी कि हार्मोनिक्स प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या होता है आवृत्ति के आयाम की वृद्धि हो जाती है और इसका फलस्वरूप पुल टूट जाता है। तो ऐसे दशा में हम क्या करते हैं, हार्मोनिक्स के बहुत इफेक्ट पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, अब लिखिए इसमें जो है हमारा कुछ पार्ट रहता है जो बताता है कि हार्मोनिक्स के प्रभाव कैसे हो जाता है। ठीक है, पहला लिखिए, जो हमारा पहला होता है इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन द इंडक्टिव रिएक्टिव। ठीक, अब इसमें रिएक्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि इंडक्टिव और रिएक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसमें लिखिए प्रेरकत्वी प्रतिघात पर हार्मोनिक्स जो होता है हमारा इससे प्रभाव, प्रेरकत्वी प्रतिघात पर हार्मोनिक्स के प्रभाव या क्या कर रहा है, यह कर रहा है रिएक्टेंस एंड रिएक्टिव जो हमारा प्रतिघात ऐसे में पाया जाता है हार्मोनिक्स के अंदर, वह हमारा तब क्या इफेक्ट पड़ता है, अब इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो नोट करते चलिए, जो हमारा एक होता है, जैसे हम पहले टॉपिक पर बताए थे नॉन हार्मोनिक्स। ठीक है, जब हमारा एक नॉन हार्मोनिक्स या विपरीत वोल्टेज तरंग को प्रेरकत्वी प्रतिघाती परिपथ में लगाया जाता है, तो ऐसे विभिन्न आवृत्तियों पर लगने वाले हार्मोनिक्स वोल्टेज को घटक के विभक्त हो जाती है, जिसमें क्या रहता है मूल आवृत्ति विपरीत हो जाती है और इसमें माने गए जो भी हमारा आवृत्ति रहती वह क्या रहता है बराबर होता है। ऐसे विभिन्न वोल्टेज को स्वतंत्र अवस्था में अगर हम स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, ऐसे लगाने पर हमारा क्या है जो आने वाली धारा होती है वह उत्पन्न होती है, जो हमें बताता ये है कि किसी भी प्रेरकत्व में प्रतिघात यानी कि यल इंटू जो प्रतिघात होती है उसे हम यल ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अगर हमें प्रयुक्त रूप में मिलता है, तब जहां हमारा प्रतिघात प्रयुक्त रूप में पाया जाता है वह हमारा क्या करते हैं धारा उत्पन्न करती है। ठीक, क्या करती है वो धारा उत्पन्न करती है, जैसे कि हम पहले वीडियो में बताए थे IPR = IL या क्या है या बराबर है, तो उसी के प्रेरकत्वी प्रतिघात में पर हार्मोनिक्स के प्रभाव में यह कह रहा है कि यह कहते हैं कि आवृत्ति को अगर हम किसी भी बराबर रखते हैं, किस पे बराबर रखते हैं मूल आवृत्ति के विपरीत के तरंग के आवृत्ति के बराबर रखते हैं, तो ऐसे विभिन्न वोल्टेज को स्वतंत्र रूप में अगर कार्य करते हैं किया जाए या माना जाए, तो ये सभी क्या करेंगे यह अपनी अपनी धारा को उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, इसमें रहते हैं, इसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे इसमें एक पार्ट आपको बता देते हैं, जैसे होता है कि यल जो होता है यल मतलब लाइन। ठीक है, लाइन में स्व प्रेरकत्व गुणांक तथा W = क्या होता है 2πf, क्या होता है W = 2πf, जो बताता है पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को बताता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारा उत्पन्न होता है वह हमारा क्या कहलाती है अब ऐसे आवृत्ति को आकृतियाँ की विभिन्न प्रतिघात को बढ़ते समय ऐसे हम देखते हैं कि इसका आवृत्ति समानुपाती है या नहीं, यदि ऐसी आवृत्ति को बढ़ता है या आवृत्ति को मूल आवृत्ति से उत्पन्न करते हैं तो जिसमें होता है हमारा 3 गुना, क्या कहें कितने गुना होता है जो हमारा 3 गुना होता है, तब हम इसे उच्च हार्मोनिक के लिए या प्रभाव हार्मोनिक के लिए अधिक हो जाता है, जिससे हमारा हार्मोनिक प्रयुक्त रूप में एक परिपथ की प्रतिघात को मूल घटक से परिपथ की तुलना से अधिक होती है, जो हमारा यह होता है कितना 1/3।
1/3 क्या करता है, यह हमारा हार्मोनिक्स को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। 1/3 जो होता है वो हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, जो यह है W=2πf, ठीक है। W क्या हमारा वर्क है और 2πf हमारा फ्रिक्वेंसी है, जो बताता है आवृत्ति को ऐसे घटक जो हमारे प्रति वोल्ट को उत्पन्न यानी कि धारा को उत्पन्न की जाती है, कितने यह धारा उत्पन्न करें 1/3, 1/3 हो गया। ऐसे उच्च हार्मोनिक के लिए हम जब देखते हैं तब ऐसे अधिक हो जाता है और प्रतिघात क्या करता है, प्रतिघात की तुलना में यह अधिक प्रयुक्त होता है, जिससे धारा का हार्मोनिक से परिणाम के रूप में किया जाता है। इसमें कई घटक होते हैं, तरंग, धारा तरंग में जितनी भी आवश्यकता पड़ती है वह क्या कहलाती है, वह धारा के प्रतिघात को प्रेरकत्व या तरंग के अवमंदन के रूप में प्रभाव के अवमंदन के रूप में प्रभाव को उच्च में श्रेणी में रखते हैं, जिससे हार्मोनिक से अधिक मिलता है, ठीक। अब इसमें पहला हमारा टाइप हो गया, पहला सिद्धांत की ये हमारा क्या है, पहला है जो चीजें बताए हैं प्रेरकत्व प्रतिघात पर हार्मोनिक्स के, पहला है, ठीक है। अब इसके सेकंड भी, अब इसके बारे में सेकंड बताते हैं। अब सेकंड क्या है, धारती प्रतिघात पर हार्मोनिक्स का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके फ्रेंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। धारती मतलब धारिता प्रतिघात, धारिता मतलब धारा, क्या है, धारती प्रतिघात, ठीक है। अब इसके बाद क्या एक इसमें बात कर रहा है हार्मोनिक्स के प्रभाव, क्या होता है धारती हार्मोनिक प्रतिघात पर हार्मोनिक्स के प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रतिघात परिवर्तन तो वोल्टेज जो होती है हमारा क्या रहती है, वह हमारा व्युत्क्रमानुपाती होती है। वोल्टेज की आवृत्ति क्या होती है, ये वोल्टेज की आवृत्ति होता है या समानुपाती, ठीक है। अगर इसे समानुपाती में अगर विद्युत धारा दी जाती है या प्रतिघात को बढ़ाया जाता है तब यह हमारा क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे आवृत्ति को प्रतिघात को घट जाता है, जिसमें प्रवाहित धारा को हम बढ़ा देते हैं और हार्मोनिक्स वोल्टेज को मूल वोल्टेज की तुलना में समानुपाती रूप से अधिक धारा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे तृतीय हार्मोनिक फंक्शन में लिया जाता है, जिससे यह बताता है कि वोल्टेज की धारा को मूल वोल्टेज के कारण प्रति वोल्टेज को उत्पन्न करने की तीन गुना बढ़ जाती है, जिसके अन हार्मोनिक्स जो होते हैं वह एक दूसरे के प्रतिघात के प्रतिघात को कम कर देता है, जिसमें जब वोल्टेज तरंग हार्मोनिक्स के सम्मिलित करते हैं तो ऐसे हार्मोनिक्स से प्रतिघात की धारा में प्रयुक्त रूप में समानुपाती रूप में अधिक धारा प्रयुक्त करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, धारती प्रतिघात पर हार्मोनिक्स का प्रभाव, ओके फ्रेंड। तो जैसे ही इसमें बताया, अगर आप लोगों को हम फिर इसके बारे में बता देते हैं, जो हमारा धारती परिपथ होता है यानी कि धारा परिपथ होता है वह हमारा प्रतिघात प्रयुक्त वोल्टेज की आवृत्ति को व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा ऐसे आवृत्ति को बढ़ने की प्रतिघात को प्रतिघात हमारा घट जाता है और दूसरे कारण प्रवाहित होने वाली धारा को बढ़ा देता है, और यह जो हमारा धारा होता है यह परिपथ को विरूपित कर देता है और तरंग को हार्मोनिक्स फंक्शन में वोल्टेज को तुलना में अधिक समानुपाती होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज को उत्पन्न करने की धारा मूल के हार्मोनिक्स का प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार यह जब हार्मोनिक्स हमारा बढ़ता है वह हमारा क्या रहता है, जो हमारा हार्मोनिक्स बढ़ता है वह हमारा बढ़ते समय तीन गुना हो जाता है, कितना गुना, तीन गुना हो जाता है। तो ऐसे हार्मोनिक्स को, ऐसे तरंग को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, ओके फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा दूसरा पढ़े, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है अनुनाद पर हार्मोनिक्स का प्रभाव। इसमें आप लोग कभी देखे हैं कि अनुनाद पर हार्मोनिक्स का प्रभाव कब पड़ता है, ठीक।
जो होता है इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन रिसोर्सेज, रेजुरेंस होता है रिसोर्सेज में। ठीक, इसमें देखिए पढ़ते हैं जो होता है प्रत्येक परिपथ के क्या होता है, प्रत्येक जो परिपथ हमारा होता है या विशेष आवृत्ति होती है जिसमें अनुनादी प्रभाव अधिकतम होता है, और यह क्या करता है यह विशेष आवृत्ति की सप्लाई की आवृत्ति को गुणक भी प्रयुक्त रूप में इसे कहते हैं, और इसमें प्रति वोल्टेज जो होता है बहुत अधिक धारा होती, बहुत अधिक धारा प्रयुक्त होती है जिसने आवृत्ति को एक विशेष रेंज में यानी कि एक विशेष रेंज में उसे संचालित किया जाता है। जो हमारा परिपथ होता है और बहुत कम हार्मोनिक्स बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, तब इसमें धारा का जो हमारा तरंग होता है वह हमारा उपस्थिति के विशेष हार्मोनिक वोल्टेज को तरंग धारा से बहुत आवर्धित करता है, जो हमारा आवर्धित करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ऐसे वोल्टेज को प्रतिघात के अनुनाद पर हार्मोनिक्स का प्रभाव पड़ता है। ओके,